भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के मार्ग पर चलने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, राम पदगमन स्थल के साथ श्रीकृष्ण तीर्थ क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक नगरी निकायों में गीता भवन की होगी स्थापना। श्री जुगल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। श्री कृष्ण ने 11 साल की उम्र में शिक्षा का महत्व बताया और कर्म के आधार पर शिक्षा का पाठ भी पढ़ाया। हमारा सनातन धर्म अद्भुत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जन्माष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर पन्ना के श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर में संस्कृति विभाग के श्री कृष्ण पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान श्री जुगल किशोर के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग से जुड़े प्रसंगों का बाल कलाकारों द्वारा प्रदर्शित झांकी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, आमजन जन्माष्टमी उत्सव आनंद और उल्लास के साथ मनाएं और कृष्ण भगवान की जीवन का स्मरण करें। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों का विकास करने का स्वरूप दिया जा रहा है। इसे निश्चित सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। पाठ्यक्रम में रामकृष्ण के पाठ को भी शामिल किया। उन्होंने कहा, पन्ना के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव मदद की जाएगी। छतरपुर में गत दिवस हुए घटनाक्रम का जिक्र करते कहा कि कानून का पालन करना सबके लिए बराबर है। किसी भी हालत में कानून तोड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पन्ना की धरती को रत्न गर्भा बताया। साथ ही कहा कि बुंदेलखंड वीरता का परिचायक है। उन्होंने धार्मिक नगरी पन्ना के मंदिरों को ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सहित पन्ना जिले में भगवान राम के आगमन से जुड़े स्थलों को विकसित करने के साथ ही श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को भी तीर्थ रूप में विकसित किया जाएगा और सभी उपस्थित जनों को जन्माष्टमी और हर छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री बलदेव जी के दर्शन भी किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का अतिथियों द्वारा जुगल किशोर का चित्र और बलदाव जी का हल और स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।